आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम, आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम, एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छूते हुए नजर आए। टमाटर 50 तो प्याज 100 के पार पहुंचा, टमाटर 50 तो प्याज की कीमत तो ने शतकों का आंकड़ा पार किया है। फुटकर दुकान पर टमाटर 50 रुपए किलो तक बिका। कुछ दिन पहले टमाटर के भाव आसमान पर थे, लेकिन अब प्याज लोगों को रुलाता हुआ नजर आ रहा है और प्याज का आंकड़ा शतक पार कर चुका है। सरकार को कैंप लगाकर करानी पड़ी थी बिक्री। गोंडा में मांगों को लेकर संविदा कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च। तो गोंडा में संविदा कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान सूत्रीय मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों को काम के दौरान जनहानि होने पर मिले मुआवजा को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए। कर्मचारियों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग इस दौरान संविदा कर्मचारियों ने की है। 55 वर्ष का हवाला देकर हटाए गए कर्मचारियों को भी वापस लाने की मांग उठाई गई है। संविदा कर्मचारियों को वेतन 18,000 प्रति महीने निर्धारित करे सरकार, ये तमाम कई ऐसी मांगे हैं जो संविदा कर्मचारियों ने उठाई है। और काम के दौरान विकलांग हुए कर्मचारियों को जीवन यापन भत्ता दे सरकार, ये भी मांग संविदा कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार से की है। योगी सरकार चलाएगी विशेष अभियान, तो योगी सरकार एक विशेष अभियान चलाती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि निराश्रित गौवंश संरक्षण के लिए 1 नवंबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अभियान को लेकर समीक्षा बैठक में कई जरूरी और अहम दिशा निर्देश दिए गए। अभियान की साप्ताहिक और पाक्षिक रिपोर्ट मुख्यालय को कराई जाएगी उपलब्ध, तो अभियान की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी। नगर आयुक्त के आदेशों की अनदेखी करते सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नजर आए हैं। निगम के अधिकारी भी आदेशों को करते हैं दरकिनार। तबादला होने के बाद भी कुर्सी पर जमे बैठे अधिकारी, तो हैरानी की बात है कि तबादला होने के बाद भी जो अधिकारी हैं वो कुर्सी पर जमे बैठे हैं। कई अधिकारियों का पहले ही तबादला किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए हैं। नगर आयुक्त के आदेशों की अनदेखी लगातार की जा रही है। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक लगातार निगम के अधिकारी के आदेशों को दरकिनार करते हुए नजर आए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए नगर आयुक्त के आदेशों की धड़ल्ले से अनदेखी करते हुए सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नजर आए हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है इनके खिलाफ? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं खामियां नगर निगम में देखने को मिल रही है। जिस तरीके से नगर आयुक्त साफ सुथरे तरीके से चलाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनियमितताएं लगातार हो रही, जिसकी वजह से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के मामले की बात है, ये बताई जा रही है। इनका ट्रांसफर हुआ था, ट्रांसफर के बाद भी इस पर कार्य नहीं किया गया, इसकी वजह से नगर आयुक्त काफी नाराज चल रहे हैं। आपको बता दें कि सफाई एवं खाद्य निरीक्षक वीरभद्र सिंह ने जोन 1 से जोन 8 में चार्ज लिया है, बाकी सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अपनी कुर्सी पर ही बैठे हुए हैं, इसको लेकर के ये बात सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, तो एलडीए की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिली है। एलडीए ने चिनहट के मानस गार्डन में अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को किया सील। मानस गार्डन में अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील करने की कार्रवाई एलडीए ने की है। एलडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। शहर में अवैध निर्माण या प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार एलडीए का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से एलडीए ने बड़ा एक्शन लिया। चिनहट के उत्तर थाना में एक अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को एलडीए ने सील किया। प्रवर्तन जोन 1 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने इसकी जानकारी दी है। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का होगा कायाकल्प। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम का कायाकल्प करने की तैयारी है। एलडीए ऑडिटोरियम को सवारता हुआ नजर आएगा, तो एलडीए को ऑडिटोरियम की सवारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एलडीए जल्द शुरू करेगा डॉक्टर भीमराव ऑडिटोरियम को सवारने का काम।
एलडीए द्वारा ऑडिटोरियम को संवारने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा। तो एलडीए ऑडिटोरियम को संवारने का काम जल्द ही शुरू करेगा। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने निर्देश दिए हैं और एलडीए के ऊपर अब ये जिम्मा है। सोमवार को अधिकारियों और अभियंताओं के साथ उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जल्द ही अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संवारता हुआ एलडीए नजर आएगा। बैठक में एलडीए वीसी ने दिशा निर्देश दिए। आज होगी योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। तो आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज उस बैठक का आयोजन होगा। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जा सकती है। सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह 11 बजे से लोक भवन में कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो चुकी है। उस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा, काशी दौरे पर जाएंगे सुबह के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आज 4 बजे काशी की नगरी पहुंचेंगे। तो काशी की नगरी में आज पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आज सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम जनप्रतिनिधियों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा भी करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आज शाम 4 बजे पहुंचेंगे। दीपोत्सव में 4 देश समेत 24 राज्यों की होगी भागीदारी। दीपोत्सव में 4 देश समेत 24 राज्यों की भागीदारी होगी। दीपोत्सव को दिव्य और भव्य बनाने में सरकार जुटी हुई है। इसके साथ ही कई देशों से आए कलाकार राम कथा करेंगे प्रस्तुत।